वादी नगर में इन दिनों चेरी का फल पककर तैयार हुआ है। चेरी का फल लजीज और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद फल है। चेरी का दरख्त बुलंदी पर वाक़ ठंडे इलाकों में पाया जाता है। वादी नगर में इब्तिदा में मकामी चेरी पाई जाती थी, ताहम बाद में बैरून ममालिक से आला क्वालिटी के पौधे यहाँ लाए गए। अब यहाँ 12 किस्म की चेरी पाई जाती है, लेकिन 2 अकसाम की चेरी आम तौर पर पाई जाती है, जिनमें एक सुर्खी माइल और दूसरे काले रंग की। एक एदाद शुमार के मुताबिक वादी नगर में चेरी की पैदावार 800 टन से ज्यादा है। जिसमें से तकरीबन 90% चेरी पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में जाता है, जबकि 10% मकामी मार्केट में फरोख्त होता है। सेहत के माहरीन के मुताबिक इस नाजुक और छोटे फल में कुदरत ने बेपनाह खासियतें छुपा रखी हैं। ये फल मुख्तलिफ किस्म के विटामिन नमकियात पर मुश्तमिल है, जो असाबी कमजोरियों को दूर करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर और कैंसर से बचाने में भी मददगार साबित हो सकता है। चेरी में तकरीबन सर विटामिन इसमें पाई जाती हैं, और ये नर्वस जो मसाइल होते हैं कमजोरियाँ, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और इन साइट आई साइट के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा एच बी हीमोग्लोबिन के लिए भी, उस हिसाब से ये चेरी बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है। वादी नगर के मखसूस आबो हवा के बायस यहाँ की चेरी जायके के अतबार से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मशहूर है। ये नगर की चेरी सर जी नगर की आबो हवा की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मुनासिब टेम्परेचर होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम चेरियों से यहाँ का चेरी की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। चेरी की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर तवज्जो देकर इलाके के लिए इससे कसीर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है।